सो यू व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं परम और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। जी हाँ, कोई सादा सुदा माइनक्राफ्ट नहीं, बल्कि हमारे पीसी वाला माइनक्राफ्ट। और ये मेरे पीसी में है, जो अभी अभी आया है, और मैंने ये पहला वीडियो बनाया है मेरे पीसी में। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा माइनक्राफ्ट। तो गाइस हम चालू करते हैं थोड़ा सा वुड लेने से। मैंने ये एक पेड़ देख के रखा था जो हम काटे हुए, मैं मतलब थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कैसे खेलते हैं। इतना हार्ड नहीं है, मैंने थोड़े तक से कंट्रोल्स देखे हैं, जैसे आप लेफ्ट क्लिक से ब्लॉक्स तोड़ सकते हो। उसके बाद आपको अगर आपकी इन्वेंटरी जो खोलनी है, तो उसके लिए आपको ई दबाना पड़ेगा। और ये जो ये है बुक ग्रीन कलर की, ये एक रेसिपी बुक है, रेसिपी बुक। तो इस पर दबाएंगे तो सारी रेसिपीज आ जाएंगी, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। तो मुझे अब जैसे ओक प्लैंक्स चाहिए, तो मैं सारे ओक प्लैंक्स बनाऊंगा। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा, वही सब जो हम करते हैं सारे माइनक्राफ्ट में बेडरॉक एडिशन। लेकिन इसमें बहुत अलग अलग रहता है, जैसे बेडरॉक एडिशन में हमें दो शवल्स लगती है और फिर वुड लगता है एक बोर्ड बनाने में। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम सिंपली पार्ट इससे बोर्ड बना सकते हैं, उसके लिए हमें पहले पानी में जाना पड़ता है। इसमें रेसिपी अनलॉक नहीं रहती है, हमें अनलॉक करना पड़ता है। हमें सबसे पहले तो हम थोड़ी सी स्टिक्स बनाएंगे और हमारे सारे, जैसे कि अब यहाँ लिखा है न्यू रेसिपीज अनलॉक्ड, तो अब हम उन चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे अब मुझे अब वुडन पिकेक्स बनानी है, तो मुझे उसकी रेसिपी पहले अनलॉक करनी पड़ेगी, फिर ही मैं उसे बना सकता हूँ। तो हम फटाफट हमारे जितने भी टीम से वो बना लेते हैं। और एक एक्स अभी के लिए तो हमें इन तीन टीम्स की ज़रूरत है। और हमें एक बेड चाहिए, तो उसके लिए हम इस प्यारी सी शीप को मार देंगे बेचारे की। गुड बाय, नेक्स्ट डे रेस्ट इन पीस। यस, हमें शीप से खाना भी मिल जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी शीप्स को मारते हैं और खाना ले लेते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अब हम वुड काटने चलेंगे। हमें रात होने के पहले एक अच्छा सा प्लेस चाहिए, अच्छी सी प्लेस चाहिए सोने के लिए। तो गाइस मैं अभी फटफट वुड काटता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। 2000 years later, बारे में देख सकते हो मैंने 27 ओक लॉग्स कलेक्ट कर चुका हूँ। तो हम फटाफट इससे एक बेड बना लेंगे और जितनी भी सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत है वो सब बना लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बेड है, तो मैं उसको ही चालू करूँगा। जैसे आप देखो मैं पानी में गया, तो वापस वहाँ कोने में लिख के आ गया न्यू रेसिपीज अनलॉक्ड। तो हमें ऐसे रेसिपी अनलॉक करनी पड़ती है, हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी। एक बेड, अब हमें हमारा बेड जो आ चुका है, हम एक अच्छी जगह पर स्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। मुझे सोचने दो हम कहाँ करेंगे। हम यहाँ कर देते हैं रिस्पॉन पॉइंट सेट। इससे फिर हम इस साइड के लिए घर बना सकते हैं और इस साइड के लिए घर बना सकते हैं। मेरे पास घर के लिए एक अच्छी आइडिया है, हम अगर हमें अगर अच्छी लगी तो हम उसी आइडिया को यूज़ करेंगे। अब हम एक बार रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ही क्राफ्टिंग टेबल लगा देनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि नहीं लगानी चाहिए। चलो लगा ही देते हैं। हम एक चेस्ट बनाएंगे, चेस्ट से बनती है चेस्ट। इधर दिखा क्यों नहीं रहा है चेस्ट, कोई ग्लिच लग रहा है मुझे तो। अब रेसिपी अंदर हुई चेस्ट की, शायद कोई ग्लिच हो चुका है गेम में। एनीवेज हमें उसके बारे में बात नहीं करना है अभी। और मेरे पास जितना भी आइटम्स हैं मैं सारे इधर रख देता हूँ, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल में बाहर रख देता हूँ इधर। और मैं अपनी स्टिक्स, ओक प्लैंक्स, खाना और सीड्स रख देता हूँ इधर। और अब मैं जाता हूँ एक छोटी सी माइनिंग ट्रिप पे, थोड़ा सा कोल के और आयरन के लिए। मेरा इस एपिसोड का गोल है कि मुझे एक आयरन चेस्ट प्लेट तो भी मिल जाए। हम पूरा ट्राई करेंगे आयरन चेस्ट प्लेट खाने का। और आपको तो पता ही होगा मुझे स्ट्रिप माइनिंग कितनी पसंद है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। तो थोड़ी सी माइनिंग अभी करता हूँ, एक स्टोन पिकेट्स बनाने दी, और उसके बाद बाकी की मैं थोड़ी देर में करता हूँ ऑफ कैमरा।
One eternity later. लावा का पूल मिल चुका है और वो भी घर के इतने पास. लिटरली हमें यहाँ से दिख रहा है ऊपर की पूरी जगह. मुझे घर के इतने पास एक लावा का पूल मिल गया है. हमें यहाँ डायमंड्स मिल सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे डायमंड्स पाने का. लेट्स सी, यहाँ पे पूल तो है पर इतने ऊपर शायद डायमंड नहीं मिलते जहाँ तक कि मुझे पता हो. तो हम जितना भी पूल और आयरन है वो ले लेते हैं. One eternity later. आप मेरे हॉट बार में देख सकते हो मुझे 1 stack coal and 18 iron ore मिल चुके हैं. मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कहाँ से मिले. पहले तो यहाँ पे इतना कोल था कि क्या बताऊँ. मैंने यहाँ से थोड़ा लिया और 18 iron मुझे वहाँ थोड़े से ही आयरन मिले. लेकिन यहाँ जहाँ कोल था मुझे यहाँ इधर 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 मुझे भर के आयरन मिला और इधर भी मुझे आयरन मिला. तो इसके कारण मेरे पास 1 stack of coal and 18 iron है. और नो, रात हो रही है, हमें सोना पड़ेगा. वाओ, एडवांसमेंट मेड, स्वीट ड्रीम्स, बहुत बढ़िया. तो गाइस अभी मैं इसे स्मेल्ट करता हूँ. स्मेल्ट करने के लिए कुछ वो लगता था मुझे ना फर्नेंस. यस, फर्नेंस. फर्नेंस के लिए भी कॉबलस्टोन लगता है. हम फटाफट नीचे से थोड़ा सा कॉबलस्टोन लेके आते हैं. आई थिंक 8 आई हैव 2 सो ओनली 2 मोर बिकॉज 6 + 2 = 8. ओके, तो मैं अभी अपना फूड और आयरन वगैरह सब स्मेल्ट करता हूँ. और आयरन चेस्ट प्लेट के साथ एक आयरन पैकेज भी हम बना ही लेंगे इस एपिसोड में. तो गाइस मैं सारी चीज़ें स्मेल्ट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ. 1 minute 37 seconds later. यहाँ पूरा आयरन स्मेल्ट हो चुका है. तो फिर आज के हम वीडियो का गोल कंप्लीट करेंगे एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाकर. यस, ओ वाओ, इसकी भी एडवांसमेंट थी. और इसे पहनकर लेट्स सी F5 and F1. ओके, अब मैं पहनूंगा. ऑल राइट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. Wow, yes, come on, this was in first episode I acquired 18 iron ingot and made a chest plate. And not only that, now I will be making and even more things of iron. For example, a pickaxe, leggings, इसे भी हम पहन लेंगे. और अब हमारे पास है एक आयरन की पिकेक्स और 2 आयरन आर्मर के पीसेस. तो अगले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे बड़ी माइंड ढूंढने का और थोड़ा सा एडवेंचर पे जाने का. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, गुड बाय.